हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सीए राजेंद्र अरोड़ा। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ एनुअल रिटर्न की। किन किन लोगों को एनुअल रिटर्न फाइल करनी है और किन को नहीं करनी है। सेक्शन 44, सेक्शन 44, जब भी हम बात करते हैं एनुअल रिटर्न की, हमें सेक्शन 44 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 याद आता है। सेक्शन 44 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि हर रजिस्टर्ड पर्सन को एनुअल रिटर्न फाइल करनी है हर फाइनेंशियल ईयर की। पहला साल 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018 का फाइनेंशियल ईयर है। इस फाइनेंशियल ईयर जो 17-18 फाइनेंशियल ईयर है, इसकी एनुअल रिटर्न आपने 30 जून 2019 तक फाइल करनी है। सबको फाइल करनी है सिवाय कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के, सेक्शन 51 में जो टीडीएस काटने के लिए जिसने रजिस्ट्रेशन लिया है, सेक्शन 52 में जिसने टीसीएस कलेक्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन लिया है, इन सबको छोड़कर सबको एनुअल रिटर्न फाइल 30 जून 2019 तक करनी है। आपका बिजनेस 2017-18 में जीरो था, कोई बिजनेस नहीं था, तब भी आपको एनुअल रिटर्न फाइल करनी है। एक बार जो एनुअल रिटर्न फाइल हो जाएगी, उसको रिवाइज नहीं कर सकते आप। ड्यूरिंग द ईयर आपने अपना GSTIN सरेंडर कर दिया, कैंसल हो गया, डीएक्टिव हो गया, तब भी आपको जिस पीरियड तक आप लाइव थे, जब तक आपने ट्रांजेक्शन्स की हैं, टैक्स कलेक्ट किया है, जो भी एक्टिविटी की है, आपको उस पर्टिकुलर पीरियड की एनुअल रिटर्न, फिर भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया ड्यूरिंग द ईयर, फिर भी आपने सरेंडर कर दिया, फिर भी आपको एनुअल रिटर्न फाइल करनी है। आपके परमानेंट अकाउंट नंबर पर 10 GSTIN है कंट्री में, आपको हर GSTIN की सेपरेट एनुअल रिटर्न फाइल करनी है। हर GSTIN का सेपरेट रिटर्न, एनुअल रिटर्न आपने फाइल करना है। दोस्तों, ये बेसिक बात है, और इसकी जो जिम्मेदारी है एनुअल रिटर्न फाइल करने की, वो रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर है। दोस्तों, ये बेसिक बात है एप्लीकेबिलिटी ऑफ एनुअल रिटर्न की। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।